सावधान, इस बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट, भूलकर भी न करें इन नंबर्स पर फोन। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को सावधान करते हुए अलर्ट जारी किया है। बैंक का कहना है कि आजकल फ्रॉड करने वाले बैंक के कस्टमर केयर नंबर से मिले जुले फोन नंबर से लोगों को कॉल कर ग्राहकों के खातों को खाली कर रहे हैं। बैंक ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। आइए जानें क्या है पूरा मामला। बैंक का कहना है कि आजकल धोखेबाज पीएनबी के कस्टमर केयर सर्विस से मिलते जुलते नकली फोन नंबर से ग्राहकों से बातचीत कर उनकी पर्सनल जानकारी हासिल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी फोन आए तो भी आपको अपने बैंक खाते और एटीएम कार्ड से जुड़ी जानकारी नहीं देनी है। बैंक खाते से पैसे निकलने पर तुरंत करें ये काम, कस्टमर केयर को फोन कर कार्ड ब्लॉक कराएं। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और उसका रेफरेंस नंबर या शिकायत की फोटो लेकर उसे संबंधित बैंक के साथ शेयर करें। समस्या का समाधान नहीं होने पर आरबीआई बैंक के लोकपाल को शिकायत करें। इसकी पूरी जानकारी इस लिंक https://rbi.org.in/scripts/about-us-display.aspects?mark-p-jack-olds-banking-ombudsman.htm पर मिलेगी। इन तरीकों से लोगों के साथ हो रहा है बैंक फ्रॉड। एक, स्पूफिंग। आजकल फ्रॉड करने वाले एटीएम कार्ड यूजर का मोबाइल नंबर, कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट जैसे डेटा कहीं से हासिल कर लेते हैं, फिर कॉल करते हैं और खुद को बैंक का अधिकारी बताते हुए मोबाइल पर आया ओटीपी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद ये ग्राहकों के खातों से पैसे गायब कर देते हैं। दो, स्कीमिंग। दुकानों पर पेमेंट के वक्त एटीएम कार्ड को यूजर की नजरों से बचाकर एक छोटी सी डिवाइस स्कीमर में स्वाइप कर लिया जाता है। एटीएम में भी स्कीमर फिट किया जा सकता है। स्कीमर में कार्ड जब स्वाइप होता है तो कार्ड की सारी जानकारी जालसाज के पास आ जाती है। यही नहीं, जब यूजर POS मशीन या ATM में पासवर्ड एंटर करता है तो उसे भी CCTV के जरिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद वो उस ग्राहक के खाते से बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं। तीन, क्लोनिंग। इसमें आपके कार्ड का ही डुप्लीकेट कार्ड बना लिया जाता है। कार्ड क्लोन करने के लिए ठग पहले स्कीमिंग वाला तरीका अपना कर कार्ड की जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद इस जानकारी को एक दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह डुप्लीकेट कार्ड तैयार हो जाता है और इसके जरिए पैसे उड़ा लिए जाते हैं।